आज की क्लास में चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की समरी में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में, जैसे आप एग्जाम के टाइम में किसी चीज को रिवाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब इस चैप्टर को हम देखना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे इस चैप्टर के नेम से ही फर्स्ट वर्ड आपको सीखना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल अपनी ही जैसे कॉपीज को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वहां पे डिफाइन क्या किया था आपने, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं आपस में। ठीक है, जैसे आप किसी एलिफेंट के सारे ऑफस्प्रिंग्स को देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि क्या है ये, किसका ऑफस्प्रिंग है, किसी एलिफेंट का है। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बाद जब आप आगे मूव करते हैं तो आपको एक छोटा सा टर्म समझाया था मैंने, दैट इज लाइफ स्पैन। ठीक है, अब लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है और जो उसके डेथ की डेट है। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ के बीच का जो ये पीरियड है, दैट इज लाइफ स्पैन। ठीक है, आप लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से माइन्यूटली प्रीवियस लेक्चर्स को जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन्स भी वहां पे आपको बता रखे हैं। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को यहाँ पे टाइप में कैटेगराइज करने का कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब उसी के जैसे दिखने वाले जो रिप्रोड्यूस वो करते हैं, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वहां पे वो परफॉर्म करते हैं, वैसे प्रोसेस में उनको दूसरे गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। ठीक है, अगर उसको दूसरे गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है देन वो कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वहां पे दूसरे गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है देन क्या हो जाएगा, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती, इसके बहुत सारे मोड्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सफिशियंट होता है नेक्स्ट जेनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा बेस्ट और इजी जो एग्जांपल है इसका, दैट इज बाइनरी फिजन, जहाँ पे अमीबा क्या करता है, अपने आप को पीसेस में डिवाइड करता है और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट जेनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ये थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, एडवांस्ड किस फॉर्म में है कि यहाँ पे इसको दूसरे गैमेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन होता है जिसके आगे और भी बहुत सारे प्रोसेसेस इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, देन हम बात करते हैं किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने आपको पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया समझाया था आपको डायग्राम बना के, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे उसी की बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उस ऑर्गेनिज्म के नंबर को इंक्रीज कराने का काम करता है। ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, वीडियोस को आप ध्यान से जब आप वहां पे रिव्यू करके देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ पे वेजिटेटिव टर्म क्यों लगा है, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी इनको किसी दूसरे पार्टनर के गैमेट की किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे पोटैटो में आपने वहां पे आई नोट्स देखे हैं। ठीक है, उसको कट करके जब आप कहीं और लगाते हैं, सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं, तो क्या होता है, वो वहां से प्लांट्स जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उसको दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने नाम क्या दिया है यहाँ पे इसको, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। जहां जहां पे वेजिटेटिव टर्म का यूज किया जाएगा, इट मीन्स कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कहीं से भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, देन फेजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पूरे लिविंग सिस्टम में
पूरे बायोस्फीयर पे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सब में लाइफ फेजेस होते हैं, ठीक है। लाइफ फेजेस का मतलब कि कैसे कैसे उनके लाइफ ड्यूरेशन के अंदर फेजेस को बांटा गया है। आप इसको भी समझने के लिए आप एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे बर्थ के बाद ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, एक स्पेशल फेज जो आता है जब तक वो ग्रो कर रहा होता है, दैट इज ग्रोथ फेज, ठीक है, जो कि एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज टर्म दे दिया जाता है, ठीक है। देन जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तब से लेके रिप्रोडक्टिव फेज के टर्मिनेट होने तक वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएगा, ठीक है। और जब रिप्रोडक्टिव फेज टर्मिनेट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज जब सीज कर जाता है, स्टॉप कर जाता है वहां पे, ठीक है, उस फेज के वहां पे स्टॉप करने के बाद, ठीक है, टिल डेथ तक जो फेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे सेनेसेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये रही फेजेस की बात जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। देन हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। काफी आसान है, इसलिए आसान है कि इसके नेम्स कैसे हैं, एक अगर आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट याद है उसके आगे पीछे, उसके पहले वाले में आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर देना है, उसके बाद वाले में आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कर देना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है वहां पे गैमेटोजेनेसिस वगैरह इन्वॉल्व होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का सारा प्रोसेस, ठीक है। देन आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है। देन जाइगोट फॉर्मेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह फर्दर प्रोसेसेस वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की बात आती है, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर भी होगा, फीमेल्स के अंदर भी होगा, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो मेल में वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ओजेनेसिस होता है जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स को जब देखना स्टार्ट करते हैं, उसमें मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, ठीक है, एक टर्म है यूनिसेक्सुअल और दूसरा टर्म क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब ये टर्म सुनते के साथ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यूनि मतलब क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन मैंने आपको पॉलिनेशन एक्सप्लेन किया था, प्लांट्स में बात आती है कि किस तरीके से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होगा वहां पे, ठीक है, तो वहां मैंने आपको पॉलिनेशन सिखाया था। और पॉलिनेशन में आपको क्या सीखना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, जिसके बाद वो पॉलिन ट्यूब के थ्रू जाता हुआ फर्टिलाइजेशन को लीड करता है, ठीक है, बाकी आगे के सारे प्रोसेस वहां पे होते हैं, ठीक है। देन सिनगैमी की बारी आती है, सिनगैमी का मतलब ही है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, उसके बेसिस पे इसको टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, जैसा यहाँ पे टर्म दिया गया है वैसे ही डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। देन जाइगोट की हम बात करते हैं, जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी अभी अभी आपने क्या सीखा कि सिनगैमी का मतलब है कि वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ उसका, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट सीखा आपने उसके बारे में, और जाइगोट ऑलवेज क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, सिंगल सेल होता है बट डिप्लॉयड है ये, ठीक है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट तो फॉर्म हो गया, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा वहां पे, ठीक है। और एम्ब्रियोजेनेसिस अपने साथ टू और फेजेस को इन्वॉल्व करने का काम करता है, टू और प्रोसेसेस को, दैट आर सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का नंबर वहां पे इंक्रीज होता जा रहा है, और डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो वहां पे उनको ऑर्गेनाइज होना भी जरूरी है कि कौन से सेल्स मिलके कौन से टिश्यू बनाएंगे, देन अगर हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो कौन से स्पेशल टिश्यूज मिलके वहां पे स्पेशल कौन से ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, ठीक है।
इस तरीके से फर्दर ये आगे के लेवल तक चलता चला जाता है, ठीक है। देन मैंने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से फ्लावरिंग प्लांट समझाया था। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब वहां पे स्पेशली फ्रूट फॉर्मेशन की जब आप बात करते हैं तो वो चीज निकल के वहां पे सामने आई थी। फ्रूट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट। राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट। तो ओवरी के स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखता है कि उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देन ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। ओव्यूल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या फॉर्म करेगा वहां पे? उस इवेंट में वो सीड फॉर्म करेगा। बाद में वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? सीड्स में। और ओवरी वॉल पेरिकार्प में, ठीक है। तो जब आप सीड प्लस पेरिकार्प इज इक्वल टू फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, तो उसके पहले वाले फेज में क्या है? ओव्यूल प्लस ओवरी वॉल इज इक्वल टू ओवरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको किसमें समझाया था? प्लांट्स के अंदर भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर मैंने आपको ये बातें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ये रही समरी आपके चैप्टर वन के लिए। और इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 22 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। जो आपको सुन के लगता होगा ये चैप्टर तो वन डे में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है, तो इतने सारे लेक्चर्स क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है, चाहे वो 11th की बुक हो आपकी या फिर आपके 12th की बुक हो, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। बस वहाँ पे डिफरेंसेस ये होते हैं, किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है, उसको सॉल्व करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो उसको कम्प्लीटली बढ़िया तरीके से क्लियर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये 23rd क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की है, दैट इज लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर समझ आए होंगे। और आज की क्लास भी मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है आपको कि किस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप जिस बच्चे ने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें समरी समझ आई है, तो धीरे धीरे जब आप प्रीवियस वीडियोस को देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक वहां पे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।